आईडी कार्ड की कॉपी। अच्छा, अब्बा का पासपोर्ट और आईडी कार्ड। अब्बा, हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आईडी कार्ड दे दीजिएगा। अब अगर मैं रीचेक ना करती तो यहीं रह जाता, पूरा दिन जाया हो जाता। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था, और क्यों दिन जाया हो जाता। वो देखो NIC भी वहां रखा है, ये लो और चलो नाश्ता करवा। नहीं बट नाश्ते को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या बात कर रही हो, इतनी अड़बोंग की मचा रखी है। एक मिनट ठहरो, ये मैं लेकर आता हूँ। भाई तुम एक बाइट तो लो ना। ये लो। मैंने नहीं मचाई हुई, आप अहमद को नहीं जानते। महीने बाद तो उससे बात होती है, और जब बात होती है 10 काम दे देता है मुझे। कभी नादरा के ऑफिस जाना है तो कभी कुछ टेस्ट कराना है, कभी कोई वकील के दफ्तर का चक्कर तो कभी कहीं, कभी उसको निकाहनामा चाहिए होता है तो कभी उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मुझे तो लग रहा है अगला नोटिस ना एम्बेसी वालों का होगा, किसका डेथ सर्टिफिकेट ला दो। फैजा क्या उलफुल बोलते चली जाती हो, सोच समझ के बात किया करो बेटा। अभी मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी ना तो मिलके बैठ के सोच समझ के बातें करेंगे। ये एक बाइट तो ले ले। मेरा पर्स कहाँ है? लो। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स। अच्छा जा कैसे रही हो? नुमान भाई वेट कर रहे हैं, उसके साथ जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। जीती रहो, कुछ एक बाइट तो ले। अभी नहीं, अभी नहीं। क्या लड़की है ये, आके घोड़े पे सवार हर वक्त।